जितने भी बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं 10-15 साल के, मेरे भाई की वजह से। विदाउट और भाई कैसे हो लॉन्डो, सब बढ़िया सुगज। यार आज हम बात करने वाले हैं कलमिंग के बारे में। तो यार आप में से काफी लोगों को पता हो कि वो एक रैपर के साथ ही साथ UK07 राइडर के एक छोटे भाई भी है। तो यार रिसेंटली वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं UK07 राइडर के फैंस के ऊपर, क्योंकि यार मुंबई में बेसिकली उन्होंने अपना एक शो रखा है, वहाँ पर उन्होंने 25 टिकट फ्री में रखी है बेसिकली उन बंदों के लिए जो टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। पर यार कुछ बंदों ने उन फ्री की टिकट को लेकर ब्लैक में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस चीज पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहे। जरूरी बात है, जितने भी बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं 10-15 साल के, मेरे भाई की वजह से, विदाउट इवन नोइंग कि मैं म्यूजिक, व्हाट इज हिप हॉप, मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्यों ये चीज कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को अनफॉलो कर दो राइट अवे। मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता है भाई, मेरे 1,70,000 से 1,00,000 भी फैन फॉलोइंग आती है इंस्टाग्राम पे, मेरे को यूट्यूब से भी अनसब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स, है ना। आई डोंट नो तुम किस लेवल पे होके सोचते हो। मैंने ये सोचा था कि जो मुंबई में जिनकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जो मेरे टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 25 टिकट्स फ्री देंगे। अब ये जो फैंस हैं जो मेरे को भाई की वजह से फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम वही बंदे हैं, ये यहाँ पे बैठे बैठे बुक कर रहे हैं टिकट्स, तुम उस बंदे की वो अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो जो जिसको सच में जरूरत है इस चीज की। सो मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या मेरे को पता है तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारा दिमाग ही वहाँ पे चल रहा है। सो प्लीज अनफॉलो मी राइट अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम यूट्यूब, कहीं पे भी ना प्लीज अनफॉलो मी, एंड ये उन तक जाने दो जिनको सच में जरूरत है भाई। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।